गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर द एलिंग प्लैनेट द ग्रीन मूवमेंट्स रूल इस चैप्टर को देखेंगे। एलिंग प्लैनेट मीन्स बीमार ग्रह और द ग्रीन मूवमेंट्स रूल और हरित क्रांति का उसमें क्या योगदान रहा। तो बीमार ग्रह मीन्स पृथ्वी पर हरित क्रांति की क्या भूमिका थी, इसको आज हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि अबाउट द लेसन क्या बताया गया है ऑथर के द्वारा। द फॉलोइंग आर्टिकल, अब इन्होंने बताया कि ये जो लेसन है हमारा, ये एक आर्टिकल था, वॉज रिटन, जो कि लिखा गया था बाय नानी पालकी वाला के द्वारा, एंड पब्लिश्ड इन द इंडियन एक्सप्रेस, और इसे इंडियन एक्सप्रेस में पब्लिश किया गया था ऑन 24 नवंबर 1994। 24 नवंबर 1994 में इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में प्रकाशित किया गया था द इशू। और इसमें जो मुद्दा था वह था कि ही रेज, मतलब नानी पालकी वाला ने इसमें जो बात कही थी वो बात थी ही रेज रिगार्डिंग द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ द अर्थ कंटिन्यू टू हैव रेलिवेंस, कि पृथ्वी का जो गिरता हुआ स्वास्थ्य है, मीन्स पृथ्वी की जो दयनीय स्थिति होती जा रही है, उसके लिए उससे संबंधित यहाँ पर इन्होंने मुद्दा उठाया, और साथ ही साथ इसके संदर्भ में और जो जो बातें हो रही हैं जा रही हैं वो भी इस लेख में इन्होंने हमें बताई है। तो चलिए अब हम इस लेख को रीड करते हैं। वन कैनॉट रिकॉल एनी मूवमेंट इन वर्ल्ड हिस्ट्री विच हैज़ ग्रिप्ड द इमेजिनेशन ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस सो कम्प्लीटली एंड सो रैपिडली एज द ग्रीन मूवमेंट विच स्टार्टेड नियरली 25 years ago। वन कैनॉट, कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है क्या याद, एनी मूवमेंट, किसी भी आंदोलन को इन वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व के इतिहास में, विच हैज ग्रिप्ड, जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था, द इमेजिनेशन ऑफ इंडियन ह्यूमन रेस, किसको सोचने पर मजबूर कर दिया था, पूरी मानव जाति को, की कल्पना को सोचने पर मजबूर कर दिया था, सो कम्प्लीटली, पूरी तरह से, एंड सो रैपिडली, और बहुत ही तीव्रता से, एज द ग्रीन मूवमेंट, जिसमें कि हरित आंदोलन, जैसा कि हरित आंदोलन जो था, विच स्टार्टेड, जो कि शुरू हुआ था नियरली 25 years ago, लगभग 25 साल पहले। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार पूरी तरह से और तीव्रता से हरित आंदोलन ने, जो कि 25 साल पहले शुरू हुआ था, उसने पूरी मानव जाति को अब सोचने पर मजबूर कर दिया था, विश्व इतिहास में ऐसा कोई मूवमेंट, ऐसा कोई आंदोलन नहीं हुआ जो कोई व्यक्ति याद कर सकता था जितना उसने हरित आंदोलन को याद किया। कहने का मतलब है कि हरित आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावशाली रहा कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में वो यादगार बना रहा। इन 1972 में द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी, विश्व की पहली राष्ट्रवादी जो हरित पार्टी है, वॉज फाउंडेड, स्थापित हुई इन न्यूजीलैंड में। तो न्यूजीलैंड में पहली दुनिया की हरित पार्टी जो है 1972 में स्थापित की गई। सिंस देन, और तब से, द मूवमेंट, इस हरित आंदोलन ने, हैज नॉट लुक्ड बैक, पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। ही हैज शिफ्टेड, इसने तो शिफ्ट किया, इसने तो स्थानांतरित किया वंस होप, एक व्यक्ति की आशाओं को, इन रेकोबरबली, और अपरिवर्तनीय रूप से, फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू, और अपरिवर्तनीय रूप से एक यांत्रिकीय दृष्टिकोण को, टू ए होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, क्या किया, विश्व के होलिस्टिक मीन्स समग्र, और इकोलॉजिकल मीन्स वैश्विक दृष्टिकोण को में परिवर्तित किया, किसको, यांत्रिक दृष्टिकोण को।
तो इनके कहने का मतलब है कि वी हैव शिफ्टेड, और इस हरित आंदोलन की वजह से हम स्थानांतरित हुए, हमारी जो आशा थी वो आशा जो थी वो स्थानांतरित हुई, और अपरिवर्तनीय रूप से जो यांत्रिक दृष्टिकोण थे वो समग्र और वैश्विक दृष्टिकोण में परिवर्तित हुए, और बाद में वो अपनी भूमिका निभाए रहे। इट इज़ ए शिफ्ट इन ह्यूमन परसेप्शन एज रेवोल्यूशनरी एज, और यह जो दृष्टिकोण थे ये मानवीय अनुभवों में एक प्रकार से क्रांति ले आए थे, और ऐसी क्रांति जो कि इंट्रोड्यूस बाय कोपरनिकस, ऐसी क्रांति जो कि कोपरनिकस के द्वारा इंट्रोड्यूस की गई थी, बताई गई थी। हु टॉट, अब कोपरनिकस कौन, हु टॉट, जिन्होंने सिखाया, किस क्या सिखाया, मैनकाइंड, मानवता को सिखाया, इन 16th century 16वीं शताब्दी में मानवता को सिखाया कि द अर्थ एंड द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, कि पृथ्वी और अन्य ग्रह जो हैं वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से कोपरनिकस के एक मानवता को जो उन्होंने 16वीं शताब्दी में एक अपना सिद्धांत दिया कि पृथ्वी और उसके अन्य ग्रह जो हैं वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, तो ये एक प्रकार से क्या था, एक प्रकार से क्रांतिकारी बात थी। उसी प्रकार हरित क्रांति ने भी अपना योगदान दिया, अपनी भूमिका निभाई और एक प्रकार से क्रांति ले आया। फॉर द फर्स्ट टाइम, और पहली बार इन ह्यूमन हिस्ट्री, मानव के इतिहास में, देयर इज ए ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड कॉन्शियसनेस, वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर पर एक जागरूकता जो थी वो बढ़ गई, मतलब विस्तृत तरीके से लोगों में जागरूकता फैल गई। दैट क्या जागरूकता फैली, कि द अर्थ इटसेल्फ इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि पृथ्वी जो है वो भी जीवित ऑर्गेनिज्म है, जीव है एक, एन इनार्मियस बींग ऑफ विच वी आर पार्ट, और इस विशाल जीव के ही हम हिस्से हैं। ये जागरूकता पूरे विश्व में फैल गई। इट हैज़ इट्स ओन मेटाबॉलिक नीड्स, और पृथ्वी की भी उपापचयी ज़रूरतें होती हैं, एंड वाइटल प्रोसेस, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं होती हैं, विच नीड टू बी रिस्पेक्टेड एंड प्रिजर्व, जिसका आदर किया जाना चाहिए और जिसको संरक्षित किया जाना चाहिए। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि ऑथर जो है वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार कोपरनिकस का सिद्धांत की जो बात थी कि पृथ्वी और उसके ग्रह सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, इस बात ने पूरे विश्व में क्रांति फैला दी थी, उसी प्रकार हरित क्रांति जो थी जब पृथ्वी पर इसकी स्थापना हुई तो एक प्रकार से क्रांति आ गई, और उस क्रांति की वजह से पहली बार मनुष्यों को पता चला, मतलब इंसानों को पता चला, मतलब मानव के इतिहास में इस बात की जानकारी हुई कि पृथ्वी भी क्या है, एक जीव है, इसमें भी जीवन विद्यमान है, और इस विशाल जीवन में के ही हम एक हिस्से हैं, मतलब हम ह्यूमन जो हैं वो पृथ्वी के ही भाग हैं, और पृथ्वी की स्वयं की भी मेटाबॉलिक नीड्स होती है, उपापचय की ज़रूरत होती है, और महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी यहाँ पर पृथ्वी पर घटित होती हैं, जिसका प्रत्येक व्यक्ति को आदर करना चाहिए और संरक्षण करना चाहिए, मतलब पृथ्वी के जितने भी प्राकृतिक स्रोत हैं जो प्रकृति ने हमें प्रदान किए हैं, पृथ्वी ने हमें प्रदान किए हैं, उसका हमें आदर करना चाहिए और उसको हमें संरक्षित रखना चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।